क्या आपने कभी किसी गाड़ी को डांस करते हुए देखा है? यह मेरी टेस्ला मॉडल एक्स। ये था आज का रिव्यू। अगर आप भी यूज टेस्ला देखना चाहते हैं या मुझे डराने पे लग गए, मैं ब्रेक लगा दें, काफी है। नहीं, बस ब्रेक कर दें, ब्रेक कर दें। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंजर, मैं पाक व्यूअर्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड से आपके खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में, मेरा ख्याल है दुनिया में अगर एक रेवोल्यूशन आई है इलेक्ट्रिक कार्स में, तो इस गाड़ी की वजह से आई है। दिस इज टेस्ला, टेस्ला मॉडल एक्स है। इसका रिव्यू करें, तैमूर साहब मेरे साथ हैं। तैमूर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैमूर साहब, मुझे हमारे यूजर्स के लिए इस गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट जो है वो बता दीजिएगा, कौन सा है? अच्छा सुनील भाई, ये टेस्ला मॉडल एक्स है, 2017-2018। ठीक है। डुअल मोटर है, 75 किलोवाट की इसकी बैटरी है। ठीक है। ऑल व्हील ड्राइव है ऑब्वियसली, क्योंकि डुअल मोटर है। सही। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे इसका जो इंटीरियर है ये प्रीमियम अपग्रेड्स पैकेज में आता है। ठीक है, जिसमें एलेंटारा ये है, एलेंटारा आ गया, वाइट सीट्स आ जाती हैं आपकी, ये साइड में डोर में एम्बियंट लाइट्स आ जाती हैं। ये वाली तो खैर नहीं, ये मैंने खुद लगाई है, सही, बट डोर में, चारों में, यहाँ लाइनिंग में है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी एड लगाएं, डे लाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। इसके अलावा ये है कि इसमें प्रीमियम कनेक्टिविटी आ जाती है, जिसमें आपको स्पॉटिफाई गाड़ी में बिल्ट इन मिलता है फॉर लाइफ, और इसमें बायो डिफेंस मोड आ जाता है, वो बेसिकली कैबिन में मिसाल से जर्म्स वगैरह किल करने का है, और ऑटो प्रेजेंटिंग डोर्स हैं, मतलब आप इसके करीब जाएं तो डोर खुद खुल जाता है। चारों दरवाजे? नहीं, सिर्फ ड्राइवर डोर खुलता है। ठीक है। ऑटोमेटिक सारे जी, इलेक्ट्रिक सारे डोर्स हैं, बट अगर आप इसको अप्रोच करें तो ड्राइवर के लिए जो डोर है वो खुल जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं देखता इसके दरवाजे जो पीछे खुल रहे थे, कराची में या पाकिस्तान में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड पार्किंग होगी, वहाँ पे या अगर कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग है तो वहाँ पे ये लगेगा कि इसमें कोई सेंसर है जिसको सेंस करे? जी बिल्कुल, इसमें सेंसर्स हैं। सही। वैसे गाड़ी में ना 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं। ठीक है। और 8 कैमराज हैं, ये ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि ये इर्द गिर्द अपने अवेयरनेस रखती है, चाहे वो कोई गाड़ी हो, पेट डॉग्स हो, इवन लोग हों। सही। ठीक है। और ऑटो पायलट की फीचर्स के लिए, बट ये है कि यही सेंसर्स पे जो डोर में लगे हुए हैं बैक पे, वो ऊपर अगर कोई दरख्त है या छत है तो ये फुल ऑन ऊपर नहीं जाएगा, या इसके करीब कोई खड़ा है तब भी वो रुक जाता है। चलिए, इसकी टेक्नोलॉजी तो अभी से काफ़ी चीज़ें, मैं बस तो अभी तो जो कह रहे ना, पहली बार आप देखते हैं तो उसको एब्जॉर्व करने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले ये आपसे पूछेंगे कि जब आप ये गाड़ी ले रहे थे, सो परचेज डिसीजन के बारे में हमेशा लोगों से पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी उनका दुनिया में रेवोल्यूशन आया है, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि टेस्ला बींग द लीडिंग वन, बट पाकिस्तान में हमने जनरली देखा है कि आपने भी नोटिस किया होगा कि टेस्ला उस नंबर में नहीं जिस तरह ऑडीज या बीएमडब्ल्यूज हैं। जी जी। और इसमें लोगों का मेरा ख्याल है ज़्यादा तक ख्याल ये है कि जी डीलरशिप यहाँ पे है, तो एक बैक ऑफ माइंड होता है कि यार अगर कोई इशू आ गया तो उस पे करेंगे। सो आपने जब ये गाड़ी लेनी थी तो आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी ही लेनी थी, इसी को कंसिडर किया था, या आपने कंपेटिटिव प्रोडक्ट को भी देखा? हाउ वाज द परचेज डिसीजन, कैसे चला था? जी सुनील भाई, मेरा जो परचेज डिसीजन था वो इस तरह था कि मैं 2016 में जब US गया था तो मेरा टेस्ला फैक्ट्री विजिट करना हुआ था। ठीक है। और वैसे मेरा ताल्लुक जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से है, टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री से, तो मेरे लिए इस गाड़ी की जो ख़ास चीज़ थी वो इसका सॉफ्टवेयर फीचर्स वगैरह थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो वो मैंने जब 2016 में देखा था तो ऑब्वियसली फैक्ट्री पे तो मैंने काफ़ी इंप्रेस हुआ था। उस वक्त ये मॉडल एक्स लॉन्च भी नहीं हुई थी, मॉडल एस थी जो मैंने वहाँ देखी थी। मॉडल एक्स बेसिकली 2016 के बाद में आई है, मैं शुरू में गया था। सही है। तो वहाँ से एक था शौक था कि ये मैंने लेनी है, सो फिर 2021 में मैंने ये इम्पोर्ट की यहाँ पर फाइनली। सही है। तो यही था, मेरे पास और कोई इसमें ऑप्शन था ही नहीं कि मैंने ऑडी लेनी है या बीएमडब्ल्यू लेनी है, लेनी यही थी। अच्छा, ये जिस तरह भी बात हो रही थी कि इसमें इतने ज़्यादा सेंसर हैं, मेरा अपना पर्सनल थोड़ा सा तजर्बा गाड़ियों के बारे में कि जितने सेंसर ज़्यादा हैं वो जब नहीं होते तो ठीक है, वो टाइम तंग करना शुरू करते हैं। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि यार ये मेंटेनेंस फ्री है, ना ऑयल है, ना कोई ऐसा मूविंग कंपोनेंट है, सिर्फ आपके टायर या ब्रेक पैड चेंज होने और कुछ होना नहीं है। जी बिल्कुल। बट
गॉड फॉरबिड अगर फर्ज करें इतने सेंसर है गाड़ी में अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती तो आपने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पाकिस्तान में इसको लेके फंस जाऊँगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब ये गाड़ी मेरे पास मैंने इम्पोर्ट की थी तो आई तो मुझे नहीं पता जब मेरे पास डिलीवर हुई तो इसका जो मैंने अभी जो बात की है ड्राइवर डोर जो ऑटो खुल जाता है वो खुल ही नहीं रहा था। ठीक है प्रॉब्ली जैम हो गया क्या हो गया सो वो बड़े मुझे दिन लगे। मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की, मैं एक टेस्ला इंजीनियर को भी जानता हूँ उससे भी बात की तो वो फिर पता चला कि इतने अरसे जो ये कंटेनर और पोर्ट्स पे खड़ी रही तो उससे इसका एक्चुएटर फेल हो गया। ठीक है तो अच्छी बात यह है कि टेस्ला की जो पार्ट्स की वेबसाइट है उनके सर्विस मैनुअल्स हैं वो फ्री अवेलेबल हैं, मतलब फ्री इन द सेंस के एक्सेसिबल हैं, कोई भी जाके इंटरनेट पे उनको ऑफिशियल वेबसाइट पे अनलाइक नॉर्मल गाड़ी में तो छुपाते हैं कि जी तो मैंने यहाँ पे एक लोकल मैकेनिक ही बुलवाया था, उसने ये डोर खोला था, मैंने वो पार्ट जो फॉल्टी था जो मुझे टेस्ला इंजीनियर ने बताया था उसका पार्ट नंबर वो वेबसाइट पर डाला, वो पार्ट ऑर्डर किया, वो आया, मैंने फिर इंस्टॉल किया एंड इट्स लाइक जैसे ब्रांड न्यू हो जाता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पॉसिबल तो है कि आप चीज़ें सर्विस कर सकते हैं प्रॉब्ली कुछ हद तक। अच्छा अगर तैमूर टेक्स साइड से बात करें, एक तो इसके अंदर आपने सेंसर्स बता दिए, बाकी जो टेस्ला की मेरा ख्याल है हमारे पूरे मुल्क में दुनिया ने हर गाड़ी के अंदर एक टेस्ला स्क्रीन लगाई हुई है। जी जी बिल्कुल, वो अगर उसके बारे में हम इसके जो फीचर्स हैं बिकॉज ऑटोनोमस ड्राइविंग में भी मेरा ख्याल है टेस्ला का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल, तो इस गाड़ी के अंदर क्या क्या ऐसे टेक फीचर्स हैं जो कि एक आम गाड़ी के से इसको बेसिकली मुनफरिद बनाते हैं? देखें ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है ये ऑटो पायलट 3.0 चिप के साथ आती है। ठीक है, ये वाला जो मॉडल है सो ये फुल सेल्फ ड्राइविंग केपेबल कार है। ठीक है, अगर यही गाड़ी आप उठा के इसी वक्त यूएस और कनाडा में रख दें तो वहाँ उनका सॉफ्टवेयर लाइव है इस वक्त, जिसको आप मतलब बैठे हुए गाड़ी को बोल सकते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल अपने घर से मैकडॉनल्ड्स ले जाओ, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ड्राइवर सीट पर बैठना है, गाड़ी खुद आपको मैनूवर करते हुए ले जाएगी। कितनी अटेंशन सड़कों पे ये गाड़ी अट्रैक्ट करती है इस तरह की अनवांटेड एट टाइम्स? बहुत ज़्यादा करती है, एक अपने कलर की वजह से और दूसरा जो इसके फैल्कन विंग डोर्स हैं उसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जिससे प्रॉब्लम भी होती है। बट अगेन ये ऐसी गाड़ी नहीं है, मेरे पास दूसरी गाड़ी है, मैं वो भी चलाता हूँ तो खास जगहों पे जाने के लिए भी ज़्यादा यूज़ होती है। बता रहे थे वो फीचर्स जो हैं बेसिकली वो ऑटोनोमस ड्राइविंग का वो हो जाएगा, इसके अलावा ये सब हमें पूरी ऑनगोइंग ट्रैफिक आ रही है इसमें और कौन कौन से एडास के जो फंक्शन हैं? मैं आपको बताता हूँ, सो इस वक्त कराची में जो फीचर्स ऑटो पायलट के चलते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये गाड़ी केपेबल है कि सिग्नल पर खुद रेड लाइट पर स्टॉप हो जाए और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे पाँव नहीं होगा पेडल पर, और जब ग्रीन हो जाए तो वो चल जाए। ठीक है, ठीक है, एक चीज़ ये यहाँ चलती है। दूसरा ये चलता है कि स्टैंडर्ड ऑटो पायलट चलता है, जो कि हाईवे वगैरह पे आप जा रहे हैं आप एक्टिवेट कर दें तो आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस रखना और लेन चेंज लेन असिस्ट करना, क्रूज, जी जी ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली चलती हैं। इसके अलावा कोलिजन अवॉइडेंस फंक्शन ये भी है, बिल्कुल, इसके आगे एकदम से कोई आएगा तो इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह वो सारी चीज़ें चलती हैं। सही है। एक और फीचर जो चलता है यहाँ पे वो है समन का फीचर, वो ये है कि अगर गाड़ी कहीं पार्क हुई भी है, सही है, आप अपने फ़ोन निकालेंगे और आप बोलेंगे कम टू मी, सो ये खुद ही मतलब आप कोई गाड़ी में बैठा हुआ नहीं होगा चलते हुए आपके पास आ जाएगी। स्क्रीन बड़ी आगे तक जा रही है, वैसे लग रहा था पैनोरामिक रूफ है, फिर मैंने थोड़ी देर बाद रियलाइज किया कि इसकी विंड स्क्रीन नहीं आता, पिछली सीट के ऊपर लगा है जी। ये बिग स्काई पैनोरामिक विंडशील्ड कहलाती है जो टेस्ला इसको बोलता है, कि यहाँ तक जाती है और पीछे ऑब्वियसली चूंकि इसके बीच में एक पिलर दिया हुआ है क्योंकि वो सपोर्ट करता है फैल्कन विंग डोर्स को, सही है, तो उसके लिए ये है कि पीछे अलग अलग दो छोटी छोटी सनरूफ्स दी हुई हैं, सही, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। अच्छा ये भी मैं देखता कि इसके जो सन वॉइजर हैं ये भी बड़ी नॉन कन्वेंशनल शेप के हैं और बड़े जैसे कहते हैं ना बैठ के गाड़ी में आपको पता लगता है कि वेल थॉट ऑफ चीज़ है, ओपन भी हो जाएंगे। अच्छा वैनिटी मिरर नहीं है क्या? मेरी खूबसूरती मुझे नज़र आ सकती है इसके अंदर जी, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है जो सारी दुनिया में रिव्यूअर्स यही बताते हैं कि ये सन प्रॉपरली ब्लॉक नहीं करता क्योंकि ये जगह जो है वो अगर यहाँ पे हाँ मेरा ख्याल नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे कर्टन आ सकता है, जो कर्टन यहाँ से यहाँ तक आप लगा दें ताकि वो ब्लॉक हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया टेक के, इसके हमने बात कर ली, अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इसकी क्रूजिंग रेंज है वो कितनी है, कंपनी क्लेम और प्रैक्टिकली कितनी है? देखें जो एक्स गाड़ी है ये वाली इसकी इसमें तीन आती हैं बैटरीज, ठीक है, 75, 90 और 100। ठीक है, ठीक है, ये 75 किलोवाट है, ये 400 है, अगर आप 100 किलोवाट की गाड़ी ले लेंगे तो 565-570, अगेन ये कंपनी की क्लेम्स हैं। ठीक है, बट ज़ाहिर है मैंने जितना किलोमीटर्स में जी जी मैं किलोमीटर्स की बात कर रहा हूँ, सो ऐसा है कि वैसे तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है उसकी रेंज जो क्लेम होती है वो नहीं उतनी होती रियल वर्ल्ड में,
कुछ हद तक ये सच भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे कर रहे हैं। सही है। अभी इस गाड़ी चिल मोड में है, मतलब चिल मैं यहाँ चिल देख रहा था, मैं कहीं पता नहीं चिल चिल मोड का मतलब होता है कि गाड़ी इस वक्त अगर मैं इसको रेस हार्ड नहीं करूंगा तो वो जाएगी नहीं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये नोट किया, अगर आप चिल मोड में रेगुलर चलाएं इतनी ट्रैफिक में तो वो बेहतर होता है, क्योंकि अननेसेसरी बैटरी का ड्रेन नहीं होता। सही है। अगर आपको मजा लेना है गाड़ी का, आप इसको स्टैंडर्ड स्पोर्ट मोड में डाल सकते हैं, उसमें बहुत भागती है गाड़ी, लेकिन उसमें फिर ऑब्वियसली ड्रेन उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है। ये बिल्कुल किसी भी कंप्यूटर की तरह है कि अगर आपने कोई हैवी गेम अपने कंप्यूटर या फोन पे चलाई है तो बैटरी उतनी तेजी से नीचे जाएगी। बिल्कुल, अगर आप ज्यादा पावर मांगेंगे मोटर से इसकी तो फिर जाहिर सी बात है बैटरी। और वो मैंने इसको लॉन्ग पे भी टेस्ट किया है, मतलब बैरिया टाउन तक मैं गया आया हूँ और सिटी के अंदर भी किया है, 400 किलोमीटर तकरीबन है, मिल जाती है। जी जी बिल्कुल, विच इज अ गुड एवरेज। मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान में और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देखी जाए तो जो ऑडी ईट्रॉन है उसमें क्वार्टर 50 जो है, जी, 50 वो तो मेरा ख्याल है 220-230 की प्रैक्टिकल रेंज देती है, जो 55 है वो देती है। बड़ी साइज की गाड़ी बनाई है और छोटी बैटरी डाली है। टेस्ला का किसी गाड़ी में कोई 50 किलोवाट का ऑप्शन है ही नहीं। सही है जी। ठीक है। अच्छा, और इसकी प्रैक्टिकल रेंज ऑब्वियसली आपने बता दी है कि जिस तरह वो करती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक और चीज़ होती है जो रेंज एग्जाइटी वाली बात कहते हैं, आपको फील हुई कभी? अगेन मेरी इस तरह यूजेज नहीं है कि रेंज एग्जाइटी मुझे कभी फील हो। सही है। बट मैं आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी का एक बता देता हूँ चीज़, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक गाड़ी रख चुका हूँ, वो भी मैंने काफ़ी चलाई थी, मॉडल 3 थी वो। सो इसमें यह होता है कि अगर आप अपनी इसको पेट्रोल गाड़ी की तरह ना चलाएं, मतलब ये है मेरा कि आप बस एक दफ़ा गाड़ी को फुल चार्ज कर दें और फिर आप बोलें अब मैं चलाता रहूँगा जब तक बैटरी 10 पे नहीं आ जाएगी, इसके बजाय आपको अपनी हैबिट चेंज करनी होगी। वो हैबिट इस तरह चेंज होगी कि आप इसको रोज़ाना जिस तरह मैं अपना फ़ोन करता हूँ, जी आप चार्जर मिलते हैं, सोने से पहले अगर आप इसको प्लग इन कर दें। सही है। तो एवरी डे आपको सुबह गाड़ी तकरीबन फुल मिलती है। ठीक है। जो कि पेट्रोल गाड़ी भी नहीं होती, अगर आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं अपनी पेट्रोल की गाड़ी में वो फुल नहीं हो सकती, आपको पहले पंप ही जाना होगा फुल करने के लिए। तो इस इलेक्ट्रिक गाड़ी का मुझे सबसे जो बड़ा फायदा है वो यही नजर आता है कि आप रोजाना फुल रेंज में घर से निकल सकते हैं बगैर पेट्रोल पंप या कहीं गए, और टाइम भी जाया नहीं होगा कि पंप पे जा रहे हैं खड़े हैं ये वो। सो अगर आप अपनी हैबिट्स थोड़ी चेंज कर लें तो रेंज एंग्जायटी नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, इसके मीटर के ऊपर मैं तो देख रहा हूँ पूरी ऐसा लग रहा है वीडियो गेम चल रही है, जितने मोटरसाइकिल और ये सारे आ रहे हैं सब दिखा दीजिए। जी, ये अगेन इसके जो जैसे मैंने बोला है कि टेस्ला की जो AI विजन है वो इस वक्त उसका कोई करीब भी नहीं है, तो वो ये हर चीज़, ये इवन जानवरों को डिटेक्ट करती है। ठीक है, कि कोई पेट कैट या डॉग इसके आगे आ जाए तब भी उसको भी डिटेक्ट कर रही होगी। और वो अच्छा, ये सीट के अंदर भी एम्बिएंट लाइटिंग है, ये स्टैंडर्ड है या आपने लगाई है? नहीं नहीं, सीट्स के अंदर मैंने यही बताया था कि ये इसमें प्रीमियम अपग्रेड पैकेज का हिस्सा है। सही है। बाकी जो है ये मैंने और लगाई हुई है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, इंटीरियर की वैसे अंदर एक जो फील आ रही है, एक तो SUVs की और थोड़ा MPV टाइप फील भी आ रही है, जो इसकी ओपन स्पेसेस है ना। जी, काफ़ी ज़्यादा ओपन है बिल्कुल। मैंने इससे पहले अगेन मॉडल 3 रखी थी और वो इसके मुकाबले में बहुत छोटी तंग है। वो कॉम्पैक्ट गाड़ी है ये, तो बहुत नीचे भी आप बता बिल्कुल है। उसका वो गाड़ी मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान में किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा उसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल चलाने के काबिल नहीं है हमारी सड़कों पे, वो सिर्फ लगती है बस। और ये तो कराची की सड़कों के लिए मेरा ख्याल है बेहतरीन है इसमें तो। इस गाड़ी में एक चीज़ और मैं बता दूँ, स्मार्ट एयर सस्पेंशन है। ठीक है। स्मार्ट एयर सस्पेंशन एक तो अडॉप्टिव है, मतलब मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, लेकिन स्मार्ट से ये होता है कि अगर मैं ऐसे जंप पे जा रहा हूँ जो इस वक्त इस हाइट पे ये गाड़ी फॉर एग्जांपल लग रही है उस जंप पे या खड्डे में, और मैं वहाँ पे जाने से पहले अपनी गाड़ी को रेस करता हूँ, तो जो नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ पे आऊँगा ऑटो पे ये अपने आप को रेस करती है। अच्छा, ताकि नेक्स्ट टाइम उस खड्डे पे कभी ना। तो उसका मेमोरी फंक्शन ये है। जी, आप GPS से वो बेसिकली सेफ कर लेता है उस लोकेशन को कि यहाँ पे इसने गाड़ी रेज या लोअर की थी। ये गाड़ी बिल्कुल इस तरह है जैसे एक कंप्यूटर के ऊपर आप व्हील्स लगा दें। सही है। इट्स अ कंप्यूटर ऑन व्हील्स। सो ये ही इसका ब्रेन है। ठीक है। हर चीज गाड़ी की इसी से कंट्रोल होती है, इसी से सेट होती है। अगर मैंने स्टीयरिंग सॉफ्ट करना है, हार्ड करना है, सस्पेंशन नीचे करनी, लाइट्स तक यहाँ से नहीं होती हैं। इसकी चाबी भी कोई पुश स्टार्ट बटन बटन ऐसा नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें तीन ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, एक की फॉब होती है, ठीक है, एक कार की है। सही है। और एक डिजिटल कार की है। सही है। सो मैं इसको बगैर किसी कार किसी फिजिकल की लाए अपने फ़ोन से अनलॉक कर सकता हूँ, लॉक कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी एप्पल वॉच से भी लॉक अनलॉक कर सकता हूँ इसको कहीं भी। सही। डिजिटल कार की का एक फ़ायदा है वो ये है कि सपोज़ आप कहीं घर से बाहर हैं और चाबी आपके पास है और घर में किसी और को यूज़ करनी है, तो
आप इसको अपने फ़ोन से उस बंदे को इनवाइट भेज सकते हैं कि ये एक घंटा दो घंटे के लिए इसके फ़ोन में मेरी कार की डिजिटल चली जाए, ठीक है, तो वो एक दो घंटे के लिए चला सकता है, आप उसको पूरा ट्रैक कर सकते हैं। तो अगेन मैंने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के जो इसके फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं, अगर अगर हम सारे फीचर करते रहेंगे ये तो हालांकि रात हो जाएगी, मगर फीचर खत्म नहीं। अच्छा जो पिछली सीट वाले पैसेंजर हैं, मैं दोनों से पूछ लेता हूँ, हालांकि दो इंडिविजुअल सीट्स ही लग रही हैं पीछे भी पूरे, लेकिन पांच लोग भी बैठ सकते हैं आराम से। जी बिल्कुल, इनसे आप पूछ रहे हैं लेग स्पेस और रूम बहुत ज़्यादा है इधर। बीइंग अ टेक पर्सन, आपको जैसे आपने बताया कि आपको इसका शौक भी है, आपने रखी भी, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको एनॉय करती हुई, आप कहते हैं यार ये चीज़ हमें एक्स्ट्रा डाली हुई है या मेरे ख्याल से ये नहीं होनी चाहिए? एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है, एक चीज़ इसमें बड़ी आम चीज़ों में गाड़ी में मैं पूछता हूँ तो कि मिसिंग क्या है इसमें, मैं इतनी नहीं, मिसिंग है इसमें, मिसिंग है एक चीज़ बहुत ज़्यादा, और वो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई कसूर है गाड़ी का, बट बेसिकली टेस्ला और एप्पल की बिल्कुल बनती नहीं है। अच्छा, इनका मसला कुछ ऐसा है कि एक दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं, क्योंकि एप्पल भी सुना है कोई गाड़ी वाड़ी बना रहा है, सही, तो वो इनके एम्प्लॉयज़ लेता रहता है, वो शायद उनके लेते पोच करते रहते हैं दूसरे के एम्प्लॉयज़, सही, तो एप्पल कार प्ले नहीं है गाड़ी में। मैं बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र था एप्पल कार प्ले का, सही है, 2014 से जब से लॉन्च हुआ था मेरी हर गाड़ी में था, इस गाड़ी में नहीं है और शायद वो आएगा भी नहीं, तो वो एक चीज़ है बिल्कुल मैं मिस करता हूँ। मेरे फ़ोन के साथ जिस तरह एप्पल कार प्ले चलता था वो इंटीग्रेशन, वैसे कोई ऐसी चीज़ एप्पल कार प्ले में नहीं है जो इसके अपने सॉफ्टवेयर में ना हो, बट वो एक इंटीग्रेशन है, वो मैं ज़रूर मिस करता हूँ। आप रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं कि यार बीइंग एन एप्पल यूज़र मेरे साथ ये भी अगर चीज़ होती तो फिर बेहतर था। सो ओवरऑल आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, और अगर वाकई कोई टेक लविंग पर्सन है तो उसको मेरा ख्याल है गाड़ी ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन अगर फॉर द अदर रीज़न है तो फिर वो पाकिस्तान में जो लोकल आ रही है वो वाली गाड़ी लेना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको आप नॉलेज इतनी नहीं रखते गाड़ियों को ठीक करने से घबराएंगे तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है गाड़ी। बिल्कुल ठीक है, तो ये था आज का रिव्यू। अगर आप भी यूज टेस्ला देखना चाहते हैं, या मुझे डराने पे लग गए, ब्रेक लगा दें, काफ़ी है, नहीं नहीं बस ब्रेक कर दें, ब्रेक कर दें, ब्रेक कर दें, इससे पहले कि ये कैमरा भी ब्रेक हो जाए, मैं रिकॉर्ड खराब हो जाए, आपने कहा कि मेरा वो रिकॉर्ड कर रहा था, नहीं नहीं बस ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी की तो वैसे भी मेरा हाल बहुत ज़्यादा। चलूँ इसमें सुनील भाई कि मुस्तफा पीछे मुझे ठुने मार रहा है, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये वन पेडल ड्राइविंग है, वो भी मैं बताना शायद भूल गया। अच्छा, तो बेसिकली आपको ऑलमोस्ट कभी भी इमरजेंसी के अलावा ब्रेक पे पाँव नहीं रखना पड़ता, आप जैसे ही छोड़ते हैं गाड़ी स्टॉप हो जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ है उसमें, वो कर्स होगा ना काइनेटिक एनर्जी रिसोर्स, वो तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग तो हर ईवी में है, बट वन पेडल ड्राइविंग नहीं है, फुल स्टॉप नहीं करती ईवी, तो ये फुल स्टॉप करेगी, इस साइड से पेडल है ब्रेक का दोबारा टायर लगाया। अच्छा, सो ये था आज के रिव्यू, अगर आप अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें, आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने कितने वाकिलों का ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।